सभी मित्रों को नमस्ते और आप सबों का अभिनंदन। मित्रों, आज बहुत विशेष बातचीत करने के लिए आपके सामने आया हूं। बजट के ऊपर हम राष्ट्रीय अभियान के तरह चर्चा कर रहे हैं और यह हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो यह विचार हुआ कि पटना में अपने प्रेस मित्रों से मैं विस्तार से बात करूं। मैं बस 10 मिनट मूल बिंदुओं को रखूंगा और इसमें बिहार के लिए क्या है यह भी बताऊंगा, और उसके बाद जो आपके सवाल होंगे उन सबों का मैं उत्तर देने जा रहा हूं। देखिए मित्रों, कुछ बातें हिंदुस्तान के बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। दुनिया में परेशानी है, दुनिया में तनाव है, दुनिया में आर्थिक चिंता है, उसमें भी भारत की इकॉनमी दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई, 10 से ऊपर। दूसरा, बाकी दुनिया की विकास दर नीचे है, भारत की इकोनॉमी 7% के रेट से ग्रो कर रही है। भारत में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है, कोरोना में चिंता की गई है, मुफ्त दवा लगाई गई है वैक्सीन, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाया गया जो अंत्योदय के लेवल के हैं। आज भी उसको आगे बढ़ाया जाएगा, 2 लाख करोड़ रुपए खर्चे हो रहे हैं। इंडिया हैज बिकम ए ब्राइट स्पॉट इन द इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। भारत दुनिया के आर्थिक परिवेश में एक चमकते हुए सितारे की तरह आया है, और हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं। आज जब 470 बोइंग और एयरबस प्लेन खरीदे जा रहे हैं भारत के एयरलाइंस टाटा एयर के द्वारा, इंडियन एयरलाइंस के द्वारा, तो क्या हो रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं धन्यवाद मोदी जी, इससे हमारे यहां 10 लाख नौकरी मिलेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति धन्यवाद दे रहे हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री धन्यवाद दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हमारे यहां नौकरी मिलेगी, और हमारे यहां तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये भारत का एक प्रकार से दुनिया में रुतबा बढ़ा है। ये जो अमृतकाल का बजट है, अमृतकाल मतलब 75 ईयर्स पूरे हो गए, ये बजट भारत को एक विकसित देश बनाने की ओर ले जाता है, जिसके मूल में है भारत के गरीब, भारत के किसान, भारत के उद्यमशील, भारत का मिडिल क्लास और भारत के नौजवान। किसान, वंचित, गरीब, मध्य वर्ग और नौजवान, इसके अंतर्गत में अब मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं कि पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, और अलग से 6000 करोड़ रुपया पीएम मत्स्य संपदा पर। तो बिहार में भी तो हमारे मछुआरे समाज के बहुत लोग हैं, इसका लाभ उनको लेना चाहिए, मिलना भी चाहिए। 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग मदद की जाएगी, 10,000 करोड़ रुपया खर्चा का प्रावधान। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टअप आए एग्रीकल्चर में, उसके लिए एक्सेलरेटर फंड की व्यवस्था की गई है। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको एग्रीकल्चर बता दिया। आपको मालूम है इसमें हमारे पत्रकार मित्रों को भी रुचि होगी कि टैक्स अब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया, नो टैक्स, और मिनिमम थ्रेशहोल्ड 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है, तो उसके नीचे कोई। और अब आप दूसरी बात आप देख लें, युवाओं को सपने की उड़ान आगे बढ़ाने के लिए 40 स्किल इंडिया सेंटर्स खोले जाएंगे। हम लोग की कोशिश होगी बिहार में भी खुले, प्रदेश सरकार सहयोग करे, ये बड़ा स्किल सेंटर होगा। और इसको पीएम कौशल विकास योजना 4.0, और 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा दिया जाएगा। इस सब आपको रिटर्न नोट भी मैं देने वाला हूं, लेकिन अभी मूल पॉइंट्स आप सबों के लिए रख रहा हूं। और बाकी एकलव्य स्कूल, 740 स्कूलों में 38,800 टीचर्स अपॉइंट होंगे। महिला एंड वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी चिंता की गई है, वरिष्ठ नागरिकों के सेविंग्स अकाउंट को 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है,
और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में 15 लाख का कैप था, उसको 30 लाख कर दिया गया है। और बाकी महिला सम्मान के विकास पर 2 लाख रुपए की बचत योजना पर 7.5% मिलेगा पूरा इंटरेस्ट। वरिष्ठ किसान, महिला, नौजवान किसान, ये सब मैंने आपको बता दिया। रेलवे पर मैं अलग से बात करूंगा और बिहार के बारे में, रेलवे के बारे में विस्तार, रेलवे नेशनल हाईवे बिहार के बारे में बताऊंगा। पीएम आवास योजना, इसकी राशि 79,000 करोड़ कर दी गई है, मतलब 66% बढ़ोतरी हुई है। और ये बिहार में बनते हैं पीएम किसान योजना, आप भी जानते हैं पैसे कहाँ से आते हैं, जानते हैं। आदिवासी वर्गों के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना है। टेक्नोलॉजी में एक बड़ा काम हो रहा है कि 5G सेवाएं शुरू की जाएंगी 100 लैब स्थानों में। मैं उम्मीद करूंगा बिहार भी उसमें एक होगा, बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए। और इस लैब में क्लासरूम, फार्मिंग, डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। 157 मेडिकल कॉलेजों में 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा, भारत सरकार तो करेगी ही करेगी, बिहार में भी नर्सिंग कॉलेज खुले इसकी चिंता की जाएगी। मैं ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर में आज तक का हाईएस्ट 33% राइज हुआ है, 10 लाख करोड़ किया गया, 10 लाख करोड़ सड़कों के लिए, बात बिजली की व्यवस्था के लिए। और शहरों के बुनियादी ढांचा में भी हर साल 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। जो हमारे मझोले छोटे उद्योगपति हैं उनको 9,000 करोड़ रुपए क्रेडिट गारंटी का प्रावधान है, और कोरोना काल में उनका पैसा अगर सीज हो गया तो वापस कर दिया जाएगा, कोई काम नहीं पूरा कर सकते। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी, मैं उम्मीद करूंगा इसका लाभ बिहार सरकार लेगी, बिहार में पर्यटन की बहुत संभावना है। और बाकी 50 एयरपोर्ट हेलीपोर्ट मिलने वाले हैं, बिहार सरकार यहाँ भी प्रयास करेगी, हम लोग भी सहयोग करने को तैयार हैं, पर बिहार सरकार को सक्रिय होना पड़ेगा। और बाकी जैव विविधता, ग्रीन प्रोजेक्ट में 33,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था, ये सबको आप, ये ठीक है, हमारी आवाज़ तो कड़क है, आपको क्यों नहीं आती, अब आवाज आ रही है, ठीक है। ये आप, मेरा लिखित नोट आपको मिलेगा। अब मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। आपको मालूम है कि टैक्स में प्रदेशों का डिवोल्यूशन होता है केंद्रीय करों में, और इसका भी आपको हम नोट देने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो हम यूपीए सरकार में कितना मिलता था बिहार को और आज कितना मिलता है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। और आपसे आग्रह करेंगे कि बिहार के लोगों को आप ये ज्ञान जरूर दें, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। 14 में मोदी जी की सरकार आई, 14 से फरवरी 2023 के बीच में 5,80,000 करोड़ रुपए बिहार को टैक्स डेवल्यूशन में दिया गया। मैं फरवरी तक का संख्या बता रहा हूं, 5,80,000 करोड़। और 22-23-24 के बजट में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बिहार के लिए 1,02,737 करोड़ रुपए का केंद्र का करों का डेवल्यूशन है, 1,02,733 करोड़। और याद रखिए 22-23 में यह राशि 21,277 करोड़ थी। अतः पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत बिहार को टैक्स हस्तांतरण में 6,82,000 करोड़ रुपए मिले हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, मोदी जी के सरकार के अंतर्गत बिहार को टैक्स डिवोल्यूशन, टैक्स हस्तांतरण में 6,82,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो आज तक की सबसे अधिक राशि है, द हाइएस्ट अमाउंट एवर गिवन टू बिहार।
यूपीए सरकार में 9 और 14 में कालखंड में टैक्स डेवल्यूशन 1,36,000 करोड़ जबकि मोदी जी के 5 वर्ष में 14-19 में बढ़कर 2,80,000 करोड़ हो गया, लगभग डबल से भी ज्यादा, डबल के बराबर। तो आप देख रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग टैक्स दे रहे हैं, मोदी जी की सरकार ईमानदारी से काम करती है, जीएसटी होता है तो हिस्सा मिलता है और बड़ा हिस्सा मिलता है। ये मुझे आपको पहली बात कहनी है। अब दूसरा, ग्रांट्स इन एड, भारत सरकार के योजनाओं में ग्रांट्स इन एड मिलता है, ये मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं। 2009-14 यूपीए 2 सरकार में भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं में बिहार को 50,008 करोड़ रुपया मिला, 50,008 करोड़ रुपया, और मोदी जी के 5 साल सरकार 2014-19 में बढ़कर बिहार को ग्रांट्स इन एड में 1,09,000 करोड़ रुपया मिला। आप समझ गए, 50,000 दुगना 1,09,000 करोड़ रुपया। अब 23-24 में वित्तीय वर्ष में बिहार को ग्रांट्स इन एड के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में 60,000 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है, 60,000 करोड़। तो मई 14 से फरवरी 23 के बीच में 2,80,000 करोड़ मिले हैं ग्रांट्स इन एड में विभिन्न भारत सरकार की योजनाओं में, और वित्तीय वर्ष 23-24 के 60,000 करोड़ को जोड़ दीजिए तो 10 वर्षों में बिहार को 3,04,000 करोड़ ग्रांट इन एड मिला। तो क्या टैक्स का डेवल्यूशन, क्या ग्रांट इन एड, दोनों नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत वृद्धि हुई है बिहार के मामले में, मुझे लगा यह बताना आवश्यक था। यह भी आपको हम नोट देने वाले हैं। बाकी 23-24 में इंटरेस्ट फ्री लोन की 50% 1 साल बढ़ाया गया है, इसमें भी बिहार को मिलेगा। तो मैंने आपको टैक्स के बारे में बिहार को कितना मिला बता दिया। अब मैं आता हूं रेलवे पर और फिर आऊंगा नेशनल हाईवे पर, या 3 मूल विषय ले रहा हूं, बाकी तो सब डिटेल सही है। रेलवे के ढांचागत विकास के लिए 23-24 में बिहार में 8,505 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके अंतर्गत वंदे भारत ट्रेन चलेगी, 2 मेरे चेक पटना साहब से चलने वाली है, 1 आपके रांची के लिए, 1 कलकत्ता के लिए। बिहार में 36 नए रेलवे लाइन आरंभ होंगे, 36, और बिहार में 87 स्टेशन का विकास होगा और 18 अंत स्टेशन भी विशेष रूप से विकसित किया जाएगा। तो आप देख लिए कि बिहार में क्या रेलवे स्टेशन, क्या अमृत स्टेशन, क्या नई रेल लाइन, क्या वंदे भारत, सब पर बिहार की चिंता की गई है। 14 से बिहार में रेलवे के 383 फ्लाईओवर अंडर ब्रिज का निर्माण हो गया है और 7 स्टेशन को विकसित करने के लिए इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी आरंभ हो चुकी है। स्टेशन है बरौनी, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, राजेंद्र नगर, भागलपुर, छपरा। तो रेलवे का मैंने कंप्लीट बताया कि इस बजट में बिहार के लिए कितना बड़ा काम किया जा रहा है। मैं फिर रिपीट करता हूं, 87 स्टेशनों का विकास, 18 अमृत स्टेशन और बाकी तो मैंने बताया। अब मैं आता हूं राजमार्ग, नेशनल हाईवे, यह भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसकी एक बड़ी तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये एक चौदह से 22 के बीच में बिहार में नेशनल हाईवे का 72,120 करोड़ रुपये लागत का काम या तो पूरा हो गया है, चल रहा है। आई रिपीट, 72,120 करोड़ रुपये की लागत का काम 14 से 22 में या चल रहा है या पूरा हो गया है। इसमें 20,485 करोड़ रुपये इसकी लंबाई 2,287 है वो पूरी हो गई है, और बाकी 51,635 करोड़ की योजना 2,796 किलोमीटर पर काम चल रहा है। और आने वाली योजनाओं में ये आप ध्यान रखें, 47,625 करोड़
लंबाई 1,221 किलोमीटर पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम कर रहा है, जल्दी शुरू होगा। तो 72,000 करोड़ मैंने बता दिया और 47,625 करोड़ का अलग से काम चल रहा है, डीपीआर बन रहा है। और आज मुझे एक भारत माला बता के थोड़ा मैं पटना के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसलिए कुछ मैंने प्रयास किया है। भारत माला के अंतर्गत फेज वन में 34,800 किलोमीटर की सड़क प्रस्तावित है, जिसमें 7.63 लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा। इसमें बिहार के लिए 1,571 किलोमीटर के 40 प्रोजेक्ट क्रियान्वित हो रहे हैं, और ये कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया जिले से गुजरेगा। और भारत माला के लिए बिहार में होने वाली योजनाओं पर 44,950 करोड़ खर्चा है। आप देख लिया आपने, जो लोग हल्ला करते हैं 72,000 करोड़, 44,000 करोड़, बाकी योजनाओं में 45,000 करोड़, कितना हजार करोड़ खर्चा हो रहा है और प्रस्तावित है, तो पूरे बिहार के सड़कों की तस्वीर नेशनल हाईवे के माध्यम से बदली जा रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, हमारे पत्रकार मित्रों को भी खुशी होगी कि आप NH 30 से आते हैं, कंकड़बाग में जाम रहता है, बहुत देर परेशानी होती है। मैं नितिन गडकरी से मिला था और उनके आग्रह, मेरा उन्होंने आग्रह माना है, अब अनिशाबाग से एलिवेटर की सड़क बनेगी जो दीदारगंज में उतरेगी, जाकर अनिशाबाद से चढ़ेगी और सीधा दीदारगंज से पहले गुरुद्वारा मोड़ पर जाकर उतरेगी। 1,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकार हो गई है, उस पर DPR बनने जा रहा है। तो ये मुझे एक अच्छी खबर आपको देनी थी, वो DPR का काम, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। और फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 100 एकड़ में बनना प्रस्तावित हुआ है, जिस पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें छोटे मझोले उद्योग के लोगों को अपने सामान बेचने के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। जमीन के लेने की बात चल रही है, इसमें लगा हुआ था, तो 1,000 करोड़ का लॉजिस्टिक पार्क। आज मैं पत्रकार मित्रों को कहना चाहता हूँ, यहाँ संजय चौरसिया भी बैठे हुए हैं, बिहार के विकास के लिए हम लोग दल के ऊपर उठकर बात करते हैं, नीतीश कुमार कुछ भी कहें। जो पूरा अटल पथ बना है, इसमें रेलवे लाइन को लेने के बारे में बहुत कठिनाई आ रही थी, पीयूष गोयल से हम लोग सब लोग लगे भिड़े, बाद में वो सस्ते दाम पर मिला, आपको मालूम है आज अटल पथ कितना जोरदार बना है। पटना में एम्स आया, पटना में IT आया, पटना पहले NIT आया, मैंने अपने IT विभाग के कितने बड़े बड़े कार्यालय को, यहाँ नाइलेट हो, बाकी हो, TCS हो, सब तो पटना में आया। तो हम लोग भागलपुर में STPI, दरभंगा में STPI, फिर आपके बक्सर में नाइलेट, मुजफ्फरपुर में नाइलेट, तो जितना काम बिहार के लिए होगा हम लोग करेंगे और करते रहेंगे। नीतीश बाबू कितना करेंगे मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। तो आज मैंने ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे, वित्तीय सहयोग और नेशनल हाईवे, इसका विस्तार से बताया और बजट के मूल बिंदुओं को बताया। आज मैं आग्रह यही करूंगा कि इस बजट में देश के विकास की चिंता है और बिहार के विकास की और चिंता है, चाहे वो हेलीपोर्ट हो, चाहे अपने मछुआरा समाज की चिंता हो, चाहे किसानों की चिंता हो, चाहे छोटे किसानों को चिंता हो। देखिए एक अंतिम बात करके फिर मैं आपके सवाल लूंगा, छोटा किसान क्या उगाता है? ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, इसका नाम दिया गया श्री अन्न, ये नाम प्रधानमंत्री जी ने दिया है श्री अन्न। और जैसे योग को दुनिया में पहुंचाया गया, आज मिलेट को भी पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे G20 के प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो योग भी करते हैं और मिलेट का खाना भी खाते हैं। और मैं अपने मीडिया टीम से आग्रह करूंगा कि एक दिन पत्रकारों को मिलेट के आटा का डोसा, इडली सब मिलता है, खिलाइए, मैं भी आऊंगा, ठीक है? इस आंदोलन में हम लोग भी जुटे हैं, आपसे आग्रह है इंचार्ज साहब, इसकी चिंता आप करेंगे। तो मित्रों ये पूरा बजट था, ये सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सबका साथ सबका विकास,
जो बाकी काम हुआ उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। इसका एकमात्र संकल्प है कि भारत को इस अमृत काल के आरंभ होकर दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था, आपको ये सब स्टेटमेंट मिल जाएगा। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। कौन कोऑर्डिनेट करेगा? अभी आप पहले मैं सवाल लूंगा बजट पर, प्लीज, फिर मैं आता हूँ। 5G हर का आएगा, BSNL 4G में आगे बढ़ रहा है, और भी बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? आज BSNL का 4G आया कि नहीं आया? 5G भी आएगा। आपकी जानकारी के लिए अब तक BSNL के विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं मोदी सरकार द्वारा, आगे भी होंगे। हाँ, मैं तेजस्वी बाद में आऊंगा। बजट पर कुछ और पूछना है? मैं उस पर आता हूं। आज मैंने बिहार को क्या क्या मिला है बता दिया कि नहीं? मैं हवा में बात नहीं करता हूं। यूपीए सरकार में उनके पिताजी भी मंत्री थे। कितना बिहार को मिला टैक्स में और ग्रांट इन एड मैंने बता दिया, और आज कितना मिला मैंने ये भी बता दिया, और बिहार को बाकी क्या क्या मिलना है, मिलने वाला है, इसका मैंने विस्तार से बता दिया। आज तक किसी सरकार में बिहार में रेलवे में इतना काम हुआ है? आज तक किसी सरकार में बिहार में नेशनल हाईवे में इतना काम हुआ है? तो आपके सामने धन्यवाद, आपने बहुत पूछ लिया। मैं आपके सबों के जवाब दूंगा, एक एक मैं सबों के जवाब दूंगा। हाँ, ये किसने कहा है? मैं सब पॉलिटिकल सवाल का जवाब दूंगा। बजट पे कुछ और पूछना है? जी नहीं, फरवरी में पैसे आ गए हैं, जो उनके टाइटल पैसे आ गए। इस पर अमित शाह जी ने विस्तार से उत्तर दिया है। 1,40,000 करोड़ रुपए दिए गए कि नहीं, उसके पर जब अनाउंस हुआ था 1,25,000 की तुलना में 1,40,000 करोड़ रुपए दिए गए, और अभी क्या क्या है मैंने आपको विस्तार से बताया कि नहीं बताया, कैसे आगे बढ़िए। तो भारत सरकार को जो करना है वो हम करेंगे, थोड़ा जो बिहार में शासन कर रहे हैं वो भी कुछ करेंगे। चलिए, धन्यवाद, उत्तर दे दिया आपकी बात का, बहुत सवाल करें। और कोई इस बजट पर सवाल? BSNL को सुधारने का बहुत काम हो रहा है, मैंने बताया 30,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चलिए ठीक है, आपकी एक चिंता है उनको बताया जाएगा, धन्यवाद। चलिए, वो आपको आज से बताया जाए जब नियुक्ति बढ़ेगी। अब इतनी ट्रेनें चलेंगी, इतना वंदे भारत चलेगी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो उसके अनुपात में रेलवे विभाग इसको विस्तार से बताएगा, धन्यवाद। अब बजट पर किसी कोई सवाल तो नहीं? हाँ, अब आप पहला सवाल आप बताइए, आपका सवाल। पहली बात तो मुझे ये कहना है कि अगर उनकी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में तू तड़ाक की भाषा है तो क्षमा करें खड़गे साहब, ये आपके संस्कार है, हमारा वो स्तर नहीं। लेकिन जितना हमारे प्रधानमंत्री को आप गाली पढ़ेंगे उतना ही हमारे प्रधानमंत्री का स्तर बढ़ता है, और जनता के प्रति, जनता की आस्था उनके प्रति बढ़ती है। आज से नहीं, गुजरात से आप देख रहे हैं क्या है। खड़गे साहब, किसने कहा था मौत का सौदागर, क्या क्या बातें नहीं की गई। आज मोदी चमकते हुए निकलते गए और 24 में और कच के निकले। अब जहां तक आपका सवाल है कि कांग्रेस की अगुवाई में बनेगी, तो आपको यह सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए, आपको ये सवाल नीतीश बाबू से करना चाहिए, जो प्रधानमंत्री के लिए इतने बेचैन हैं कि सभी विपक्षियों को जोड़ना चाहते हैं।
मैंने आज तक तो नीतीश बाबू का ये हाल देखा ही नहीं कि आओ गले लग जाओ, मैं तैयार बैठा हूं, और कोई गले लगा ही नहीं रहा है। या कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी कह देती है कि जो लोग भाजपा के साथ रहे हैं वो पहले सोचें, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं। आज खड़गे साहब बोले, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि नीतीश बाबू विपक्षियों को जोड़ने की बात छोड़ दीजिए, पहले अपनी पार्टी को तो संभालिए, वहीं बिखराव हो रहा है। अब ये सब विषय पर मेरे पास कोई कमेंट नहीं करना है। मैं संजय जायसवाल, संजय क्या बिहार की राजनीति में मिलने जुलने पर भी परेशानी हो गई है क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं है ना, मिलने जुलने क्या परेशानी है? और जदयू के खंभे हिल रहे हैं, अगर उनकी, मैं तो आज तो और भी मुझे हमारे मित्रों ने बताया कि आरजेडी के एमएलए कह रहे हैं कि होली के बाद आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, तो ये भी सुन रही है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, हम तो अभी तमाशा देख रहे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन प्रधानमंत्री का ख्वाब लेकर के विपक्षियों को जोड़ने की बात चलने वाले नीतीश बाबू आज इतने निरीह क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? ये सवाल है। होली बात तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? अब ये हमसे पूछेंगे आप, ये जाके आपको जदयू से पूछना चाहिए। और कोई सवाल? एक तरफ यहाँ विपक्षी एकता की बात हो रही है, महागठबंधन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, यहाँ दो तरह के चीफ मिनिस्टर डिप्यूट करने की बात चल रही है, इसलिए अभी आप बात नहीं कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? अब ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नीतीश बाबू, भाजपा ने आपको ईमानदारी से समर्थन दिया, आपकी पार्टी तैयार नहीं थी, मैं चर्चा अपने मित्रों से कर रहा था, तब आपको नेता बनाया जब जॉर्ज फर्नांडिस, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह आपका विरोध करते थे, और तमाम ऊंचाई निचाई के बावजूद एक बार आपके साथ रिश्ता बनाया तो रिश्ते हम निभाए। लेकिन आज तो मैं उपेंद्र कुशवाहा की एक बात की तारीफ करूंगा कि गवर्नर ने उनको एमएलसी बनाया तो रिजाइन कर दिए, नीतीश बाबू बिना जनता से बात किए पलटी मार देते हैं, ये भी सामने में है, तो ठीक है, देखा जाए। उसके लिए भाजपा के प्रवक्ता काफी हैं, चिंता मत करिए, उनको इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। तो आप चोरी करेंगे, आप कोयला घोटाला करेंगे, सरकार से उसकी पूरी मदद करवाएंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो, तो भैया ये मोदी जी की सरकार है, आप देखिए उनके, मैं सुनिए तो सही, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, जिनके खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई हुई वो जेल गए तो बेल लेना पड़ा ना, ऐसी बात तो नहीं है ना। ईडी के पास जब पर्याप्त सबूत रहता है तभी वो कार्रवाई करती है। और मुझे ये बताइए कि कोयला घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ? हजारों करोड़ का हुआ है, तो काम चल रहा है, तुमको काम करने नहीं दिया। एनीथिंग फर्दर? थैंक यू।